पंजाब फोकस की तरफ से राकेश चावला की आज की ताजा खबर। श्री राम भगत सेना मुखी ते हमला करन वाले 8 हमलावरां नूं कीता गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस वालों अज श्री राम भगत सेना दे मुखी धर्मिंदर मिश्रा ते बुधवार की शाम नूं बस्ती बाबा खेत विखे हमला करन वाले 8 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया। दोषियों की पहचान करम कुमार 21 बैंक कलोनी महिकप्रीत सिंह 18 कबीर विहार गुरप्रीत सिंह 21 मिठू बस्ती सरबजीत सिंह 20 हरजिंदर सिंह 19 बस्ती बाबा खेल अमृत पाल सिंह 23 न्यू राजनगर भूपिंदर सिंह 19 बरजिंदर सिंह 22 राजनगर वजों हुई है। पुलिस वालों 23 धार हथियार 3 मोटर साइकिल होर भी बरामद किया गया। इन्हां विचों मुख दोषी गुरप्रीत सिंह घुम्मन प्रॉपर्टी डीलर फरार है। संबंधी वधेरे जानकारी दिंदिया पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दसिया कि धर्मिंदर मिश्रा का दफ्तर मुख दोषी गुरप्रीत सिंह घुम्मन प्रॉपर्टी डीलर वालों बनाई गई कलोनी के नेड़े सी। उन्हां दसिया कि एक महीना पहला घुम्मन जिसके नाल करण कुमार जो कि उसके दफ्तर विखे काम करता सी ते धर्मिंदर मिश्रा अते उसके वर्करां नाल बहस हो गई अते मुख दोषी वालों धर्मिंदर मिश्रा नूं सबक सिखाउण दा फैसला लिया गया अते दूजियां नाल रल के साजिश रची। कमिश्नर ने अगे दसिया कि बुधवार नूं शाम 7 बजे दोषियों वालों धर्मिंदर मिश्रा ते तेजधार हथियारां वल अते बेसबाल बैटां नाल हमला कर दिता अते मिश्रा नूं गंभीर जख्मी करन तों बाद मौके तों भज गए। भुल्लर ने दसिया कि IPC धारा 323, 324, 427, 326 अदालत विच पेश किया जाएगा। उन्हां दस्या कि मुखी दोषी प्रॉपर्टी डीलर गुरप्रीत सिंह घुम्मन नूं भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदेश दीआं खबरां सुनण लई पंजाब फोकस न्यूज़ पेपर नाल जुड़े रहो।